जनजन की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है। और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी का जो बयान है कि शुक्रवार को छुट्टी होनी चाहिए और रविवार को स्कूल खुलना चाहिए, इसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उर्दू स्कूलों में आज भी रविवार को छुट्टी होता है, ये तो पहले से चला आ रहा है, इसमें मनमानी किस बात का है भाई। अब रविवार को शुक्रवार को छुट्टी इसलिए मिलता है कि फ्राइडे होता है, फ्राइडे में नमाज पढ़ता है ताकि बच्चों का पढ़ाई बाधित ना हो। और अगर एक दिन ऑफ करते हैं तो दूसरा दिन आपको ऐसा तो नहीं है ना कि संडे को क्लास नहीं होगा। फिर तो जैसा आपने सुना कि इरफान अंसारी ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इस पर काउंटर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता राकेश जी। राकेश जी, सबसे पहले बताइए, इरफान अंसारी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि शुक्रवार को बंद रहना चाहिए, इस पर क्या कहें? देखिए, मुझे ये लगता है कि इरफान जी के बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और इरफान जी को मीडिया ट्रायल के मार्फत उनको एक साजिश के तहत बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि जो उर्दू स्कूल है इस राज्य में, सामान्य स्कूल और उर्दू स्कूल, ये दो स्कूल हैं। तो जो उर्दू स्कूल हैं, क्योंकि शुक्रवार के दिन उनका सप्ताह का उनका एक परंपरा है, शुक्रवार के दिन लोग जुम्मे का नवाज अदा करते हैं, तो उसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, युवा भी होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो उर्दू स्कूल है और उसको सामान्य स्कूल से भी उनके बयानों को जोड़ दिया गया है, जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। सामान्य स्कूल का जो नियमावली है वो राज्य सरकार के गाइडलाइन पर चलता है। उन्होंने ये कहा कि उर्दू स्कूल जो है इस राज्य में, क्योंकि जुम्मा उनके लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ख़ास दिन होता है, तो जुम्मे के दिन जो है वो लोग नमाज अदा करते हैं, तो उसमें उनको छुट्टी दिया जाए ताकि बच्चे भी नमाज अदा कर सके। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो स्कूल है वो संविधान के अनुसार चलता है, किसी विशेष समुदाय के मर्जी के अनुसार नहीं। मैं ये मानता हूँ, लेकिन शायद विपक्ष को ये पता नहीं कि यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में संविधान भी है और वही देश का संविधान इस देश की धर्मनिरपेक्षता की इजाज़त भी देता है। तो चूंकि विपक्ष को तो और कोई काम है नहीं, या तो जुमला बोलेंगे या समाज के गंगा जमुना तहजीब को भंग करने का काम करेंगे। विपक्ष ये तो नहीं कह सकता ना कि आज भारत श्रीलंका होने के कगार पे है, विपक्ष नहीं बोल सकता। विपक्ष ये नहीं बोल सकता कि कैसे हम अपने 8 साल के कार्यकाल में इस देश की जनता का पेट खाली कर दिए हैं, ये नहीं बोल सकता। विपक्ष ये नहीं कह सकता कि हम उनके तन से कपड़ा भी नोचने का काम कर रहे हैं, जुमला बोल सकते हैं। तो विपक्ष कुछ भी बोल ले, विपक्ष के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस राज्य की जनता पूरी तरह शांति प्रिय और संवेदनशील जनता है। इस राज्य की जनता इस बात को जानती है और मानती भी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। आज आगमन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी का देवघर में और काफ़ी 16,000 लगभग 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करें, रातों रोड में दिवाली भी मना रहे हैं विपक्षी लोग, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण? देखिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर पे जब किसी भी राज्य में अगर उसके विकास के लिए शिलान्यास होते हैं तो ये स्वागत योग्य कदम होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये शिलान्यास सिर्फ शिलान्यास पट पर ना रह जाए, बल्कि ये शिलान्यास जो आज माननीय प्रधानमंत्री ने किया उसी तरह पटाखा फोड़ करके, उसी तरह खुशी मना करके भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता उस शिलान्यास को अमली जामा भी पहनाने का काम करें। ऐसा नहीं कि वो शिलापट को दिखा करके फिर से जुमला बोलना शुरू कर दें। तो ये अगर होगी ये बुरी बात है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर मुझे ये लगता है कि अगर शिलान्यास होते हैं, विकास होता है, तो अच्छी बात है। हम लोग भी देश और राज्य के विकास के पक्षधर लोग हैं, विकास होना भी चाहिए। तो मैं फिर से एक बार उर्दू वाले स्कूल पर अंतिम सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है चलो उर्दू स्कूल में ही शुक्रवार को, उर्दू स्कूल में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार या फिर नॉर्मल स्कूल के अनुसार चलना चाहिए, वहाँ भी संडे को छुट्टी होना चाहिए? राकेश, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि होना चाहिए, मैंने ये कहा कि ये एक मांग उठी। तो ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में बहुत सारी मांगें उठती है, लोग अपने वाणी की अभिव्यक्ति ही लोकतंत्र कहलाता है। मेरे मन में ये ख्याल आया तो उन्होंने वो डिमांड किया,
लेकिन ये डिमांड पूरा होना ना होना ये तो नियमावली के अंतर्गत आता है, तो स्वाभाविक तौर पे जो सरकार का गाइडलाइन होगा, जो सरकार का नियम होगा, उसी आधार पे स्कूलें भी कार्य करेगी अपना। और राष्ट्रपति चुनाव पे अभी तक क्या स्टैंड कुछ क्लियर हुआ है आप लोगों का? नहीं, हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का तो स्टैंड पूरी तरह क्लियर है कि हम लोगों ने जसवंत सिन्हा जी को अपना समर्थन देने का काम किया। लेकिन अगर वहाँ द्रौपदी मुर्मू सिलेक्शन जेएमएम थोड़ा, नहीं मुझे ये लगता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए ये दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। तो स्वाभाविक तौर पे जो गांधी के विचारधारा के पक्षधर लोग हैं वो यशवंत सिन्हा के साथ आएंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना राकेश जी को कहते हुए कि ये बस उन्होंने इरफान अंसारी का जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उन्होंने बस अपना एक ख्वाहिश रखा था कि उर्दू स्कूल में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन इसे पॉलिटिकली तोड़ मरोड़ के पेश न किया जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।